नमस्कार, मैं मधु मंजरी आज आपको बताऊंगी अलोम विलोम नमस्कार। नाक को बंद करेंगे, इधर से श्वास को अंदर लेंगे, इधर से वापस छोड़ेंगे, फिर वापस लेकर इसे बंद, फिर वापस छोड़ेंगे। इस प्रक्रिया को आप धीरे धीरे करेंगे। अगर इसमें आपका अभ्यास हो जाता है तो इस चीज़ को लगातार करेंगे। आप थक जाते हैं फिर रुकिए, फिर वापस कीजिए, फिर इस चीज़ को बार बार प्रक्रिया कर सकते हैं। आप 10 से 15 दिन 15 मिनट आप रेगुलर कर सकते हैं। अगर बीच में आप थक जाते हैं तो रुक जाइए, उसमें कोई बात नहीं है। अलोम विलोम से हमारे सांस की गति नियंत्रित रहती है, इस वजह से बीपी की बीमारी नहीं होती। इससे आप मोटापा पे कंट्रोल कर सकते हैं, इससे आप स्ट्रेस लेवल कम कर सकते हैं। बच्चों को कराने से मेमोरी शार्प होता है, उन्हें याद करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ता है। ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है, उन्हें पढ़ाई में ध्यान लगेगा, मन लगेगा और वो पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। अलोम विलोम के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जिसे इस छोटे से एपिसोड में बताना मुश्किल है, लेकिन ये एपिसोड देखने के बाद आप अलोम विलोम ज़रूर करेंगे और करके इसका लाभ उठाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर पर अलोम विलोम ज़रूर करेंगे। नमस्कार, मैं मधु मंजरी आज आपको बताऊंगी भ्रामरी प्राणायाम। इस प्राणायाम को हम मधुमक्खी की तरह आवाज़ निकालते हैं, इसलिए इसे बी ब्रीथ भी करते हैं। इसे बार बार अपने दोनों कान, दोनों अंगूठे से दोनों साइड में बंद करके, बीच की उंगली से बंद कर करके श्वास अंदर की ओर छोड़ते हुए आप जितनी देर तक कर सकते हैं, इसे लंबा, जितना लंबा खींच सकते हैं उसे लंबा करें। शुरू के दौर में आप इसे थोड़ा करें जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं, उसके बाद धीरे 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 आप जितना लंबा इसे लंबा ओम जो है उसे कर सकते हैं, तो जितना ज़्यादा अच्छा है, फ़ायदा करेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आ रहा हो, या फिर बहुत ज़्यादा आपको टेंशन हो, तो आप प्राणायाम के मुद्रा में बैठ करके भ्रामरी आसन करें और इससे बहुत तुरंत आपको रिलीफ मिलेगा। इसके बाद हम करेंगे ओम का ध्यान। ओम का ध्यान करने के लिए बिल्कुल मन को शांत और कहीं भी अपना ध्यान कहीं भी नहीं रखें, बस ओम अपने ऊपर और अपने भगवान पे ध्यान रखें और ओम का जाप करें। इससे बहुत मन की शांति मिलती है। हाथ का जो पोस्चर है ये होना चाहिए और बिल्कुल स्ट्रेट, बॉडी स्ट्रेट, आँख बंद और ओम जो है मुंह खोल करके ओम, और जो माँ जो माँ का जो उच्चारण होता है मुंह बंद करके करेंगे ओम। इस तरह से हम ओम का ध्यान करेंगे। ओम का ध्यान अगर प्रतिदिन सुबह हम करते हैं, पूरा दिन हमारा अच्छा जाता है, स्ट्रेस से बाहर रहते हैं और हमारे अंदर एक पॉजिटिव सी एनर्जी आती है। ओम का ध्यान हमें डायरेक्ट ऊपर भगवान से मिलाता है और अपने अंदर एक अच्छी सारी निगेटिविटी को ख़त्म करता है और पॉजिटिविटी को लेकर आता है। ओम का ध्यान हम 2 से लेकर 5 बार भी कर सकते हैं। इसे एक सेक्शन को थोड़ा लंबा, जितना लंबा आप खींच सकते हैं, ताकि पूरा सर जो है और पूरी बॉडी वाइब्रेट करता है। इस वजह से हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी तेज होता है। प्राणायाम में ओम का ध्यान करने के बाद अपने दोनों हाथ को इस तरह से पकड़कर इसे रब करेंगे। थोड़ा
थोड़ा गर्म हो जाने पे अपने दोनों हथेली से आंख को बंद करके बिल्कुल आंख बंद, मन शांत और ध्यान बिल्कुल अपने ऊपर, कहीं और नहीं, बिल्कुल अपने ऊपर। आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि आप बिल्कुल रिलैक्स अपने आप को फील कर रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं और बहुत ही आराम आपको लगेगा। अभी तक आपने प्राणायाम का सारे विधि सीख लिए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ आप अपने दिनचर्या में ज़रूर शामिल करेंगे। इस तरीके के और भी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।